हेलो एवरीवन, मैं हूं कविता और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बम्प एंड मम में। वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव विंटर एक्टिविटी जिसका नाम है शेडो पेंटिंग एक्टिविटी। बच्चों को विंटर सीजन में कराई जाने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल एक्टिविटी है, जिसकी सबसे खासियत यह है कि इसको आप बहुत ही ईजिली सेटअप कर सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आर्ट सप्लाइज की भी नीड नहीं होती। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं इस एक्टिविटी को कराने के लिए आपको किन किन चीज़ों की नीड होगी। आपको चाहिए सिंपल व्हाइट बोर्ड। यदि आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो आप एक प्लेन पेपर का भी यूज कर सकते हैं। और आपको चाहिए मार्कर, थ्रेड और डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। यदि आप यहाँ पे लीव्स का भी यूज नहीं करना चाहते तो उसके अल्टरनेटिव आप अपने बच्चे के टॉयज को भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस शेडो आर्ट एक्टिविटी का सेटअप कैसे करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, थ्रेड में कुछ इस तरह डिफरेंट शेप्स की लीव्स को टाई करना है और उसको ऐसे हैंग करना है कि इन लीव्स की शेडो सीधा पेपर पर या फिर व्हाइट बोर्ड पर इस तरह दिखे। तो इस तरह बहुत ही सिंपली ये शेडो आर्ट एक्टिविटी का सेटअप तैयार हो जाता है। अब आपने अपने बच्चों को देना है मार्कर और बच्चों को इंगेज करना है इस सुपर डुपर सिंपल शेडो पेंटिंग एक्टिविटी में। सनलाइट इस एक्टिविटी का मेन पार्ट है, तो बच्चों को विंटर के सीजन में कराई जाने वाली बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी है, जिससे ना केवल बच्चे सन सॉकिंग भी कर पाएंगे बल्कि होम स्कूलिंग के लिए भी आपके पास एक डिफरेंट मेथड मिल जाएगा, डिफरेंट एक्टिविटी मिल जाएगी बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए बिना ज़्यादा पैसे खर्च करें। तो बच्चों को सर्दियों के मौसम में धूप सेकने का, घर पर इंटरेस्टिंग वे से बिजी रखने के लिए, मोबाइल टीवी से दूर रखने के लिए, ये नेचुरल क्रिएटिव एक्टिविटी आपके बच्चे के लिए फायदेमंद हुई कि नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको यूजफुल लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने पेरेंट फ्रेंड्स के साथ। लाते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और इजी सेटअप एक्टिविटीज अपने कमिंग वीडियोस में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बम्प एंड मम।